अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। और मेरी चाय हो चुकी है और मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है अभी से ही। और बस मैं ऐसे ही बैठी हूँ, चाय कब से ख़त्म हो चुकी है और ये जो चिड़िया, कौवा, कबूतर ये सब ऐसा आवाज़ करते हैं ना, तो मुझे वो साउंड बहुत अच्छा लगता है। ऐसा रिलैक्स फील होता है और ऐसा लगता है बस बैठकर उन लोग की आवाज़ सुनती रहूं। तो बस ऐसे ही बैठ के सुन रही थी, तो मैंने फ़ोन ले लिया, व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है। देखते हैं आज क्या करते हैं, जो भी करेंगे इंशाल्लाह वो मैं आपको दिखाई देती हूँ। और आज है फ्राइडे, तो नमाज़ है आज, कुरान शरीफ पढ़ना है, सूरह जुम्मा पढ़ना है, मरहूमों को बख्शना है, बहुत सारी चीज़ें हैं आज करने को, तो इंशाल्लाह वो सब भी करेंगे। आप लोग भी, आप लोग की दुआओं में मुझे हमेशा याद कीजिएगा और मैं भी आप लोग को हमेशा याद करती हूँ और हमेशा सब के लिए दुआ करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए थोड़े टाइम ऐसे ही बैठती हूँ मैं, फिर चलते हैं अपने कामों में, फिर फ्रेश हो जाते हैं, फिर उसके बाद आपसे मैं मिलती हूँ। यह है नमाज अल्हम्दुलिल्लाह से, और अब करते हैं पेट पूजा। और लंच में है भाजी, रोटी और राइस, मींस भाजी है आलू, मटर, गाजर, मिक्स वेजिटेबल, तो चलिए खा लेते हैं। मैं सोकर उठ गई और फिर जो कपड़े वॉश किए थे तो उसे बस स्टैंड में लगाना है, तो उस कपड़े स्टैंड में लगाने के बाद फिर शाम की चाय पियेंगे, फिर उसके बाद अशरफ को फ़ोन करेंगे कि अशरफ आज खाने में क्या खाओगे और क्या बनाऊँ, क्योंकि मैं हमेशा सोच के मीन्स बना ही लेती हूँ। आज तो मुझे और ज़्यादा ही वो लग रहा है कि मैं क्या ही बनाऊँ, तो देखते हैं अशरफ से पूछ के अशरफ क्या बोलते हैं बनाने के लिए। और फिर जाएंगे आज मार्केट, क्योंकि यहाँ पे है ना हर सेक्टर में मीन्स मार्केट लगती है वेजिटेबल्स की, बहुत बड़ी मार्केट लगती है यहाँ पे, तो जाएंगे आज। मैं जाऊँगी बस में, बहुत टाइम से मैं बस में नहीं गई हूँ, तो मैं आज बस में ट्रेवल करूँगी। तो चलते हैं, पहले फ़ोन करते हैं अशरफ को। आप लोगों को बताया था मैंने कि छिपकली है तो मैं नहीं आ पाई, और आज मैं चाय के साथ बैल्कनी में बैठ रही हूँ। और आज का व्यू भी अच्छा है, वहाँ पे देख सकते हो बादल एकदम ब्लैक है, तो वहाँ पे बारिश होने वाली है, और यहाँ पे बादल एकदम खुले खुले हैं, तो यहाँ पे तो बारिश ही नहीं आने वाली, और पूरा धूप है धूप। तो चलिए चाय पी लेते हैं, फिर इंशाल्लाह जाते हैं नीचे मार्केट। मैं फिर बस से नहीं गई, फिर मैं ऑटो ले लिया है और मार्केट पहुंच गई, और मुझे ये दिख गए प्लांट्स, मैं नर्सरी में नहीं गई थी तो अचानक मार्केट में दिख गए। फाइनली मार्केट पहुंच गई हूँ और अच्छा खाली है फिलहाल, तो चलिए ले लेते फटाफट। टमाटर सस्ते हो गए, गई घर। घर आके चेंज वगैरह भी कर लिया है, और मैंने आज लिया है छोटा सी प्लांट, वापस से मैंने प्लांट लिया है। और अशरफ अभी मेरे को बहुत बोलेंगे कि सपा कितने प्लांट तुम जमा करते हो, लेकिन मार्केट में मुझे मीन्स आज तो मैं नर्सरी के पास गई भी नहीं थी, आज वो मीन्स मार्केट में वो रेकड़ी लेके रहते ना सब पॉट्स, फ्लावर पॉट्स लेकर, तो वो मुझे ना एंट्री करते हुए दिख गए,
तो मैंने उनसे पूछी और छोटा वाला ली, बड़ा वाला नहीं ली क्योंकि मुझे वापस से ऑटो से जाना था घर और मुझे मीन्स वेजिटेबल्स वगैरह सब लेना था, तो इस वजह से मैंने बड़ा नहीं लिया है, तो छोटा सी लिया है। बहुत स्वीट है, तो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ये वाला प्लांट मैंने लिया है छोटू सी, इसके लिए पॉट मैंने अभी नहीं खरीदा है, बाद में इंशाल्लाह खरीदेंगे। आप लोगों को प्लांट दिखाया ना, छोटा सी प्लांट लिया है मैंने, अब उसे मैं रखूंगी किचन में या तो बैलकनी में ही रखूंगी इंशाल्लाह, सब प्लांट्स के साथ में, तो पूरी फैमिली साथ में रहेगी, अच्छा लगेगा, है ना। और मैंने वड़ा पाव लेकर आई थी, आप लोगों को ये वीडियो मैंने दिखाया है कि लाइव गरम गरम वड़ा ऐसा वो डाल रहे थे और मुझे बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। तो वो वहाँ का वो फेमस वड़ा पाव है, वहाँ पे भीड़ भी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्होंने मुझे गरम गरम वड़ा पाव निकाल के दिए, तो मैंने घर पे लाया, मैंने वहाँ पे नहीं खाया, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो अभी मैं वड़ा पाव खा लेती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, मैंने ये बनाया है भिंडी गाजर और हरी प्याज में मिक्स करके बनाया है मैंने, और इसमें मैंने दही भी डाला है, तो अभी ये अशरफ खा के बताएंगे। वैसे तो मैं भिंडी हमेशा बनाती हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम इसमें गाजर और ये सब मैंने हरी प्याज का बनाया है। जो भी ये फ्रूट खाएगा प्रोमोग्रेनेट, तो प्लीज़ इसमें शक्कर और चाट मसाला ज़रूर डाल के खाना, और देखना क्या मस्त टेस्ट आता है। ये मुझे अशरफ ने बताए थे, तो कल ही मुझे अशरफ ने बताया, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो आज मैं वापस से खा रही हूँ, तो सोचा आप लोग को मैं बता दूँ। ये चाट मसाला भी कल अशरफ ने ही लेकर आए थे, तो देखिए बाप रे बहुत सारा गिर गया। मुझे तो अच्छा लगता है खट्टा और मीठा, तो अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैं खाऊंगी। ये देखिए मैंने पूरा मिक्स करके अच्छे से, तो जो ये शक्कर का जो पानी भी वो निकलता है, प्रोमोग्रेनेट का भी वो जो रस रहता है वो निकलता है, तो और ही टेस्ट आता है। और चाट मसाला भी डालो, यम, ज़रूर आप लोग भी ट्राई करना और मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि कैसा लगा, जब भी खाओगे तभी, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। चलिए खाते हैं। अशरफ आ गए हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे कुछ लेने के लिए, तो जाकर आते हैं फिर खाना खाते हैं, और अशरफ आपको बताएंगे कैसा बनाए, वो नहीं भी बताएंगे तो मैं आप लोग को बता दूंगी कैसा बनाए, ठीक है। ये इन्होंने टी शर्ट बाहर पहने ये देखो, ये शक्ल गौर से देखिए, ये कुछ भी कर सकते हैं। खाएंगे रखेगा भी कौन, पूरा फिनिश हो जाएगा। आज से तुम्हारा भागना दौड़ना नाचना कूदना सब। फ्रेंड्स, अशरफ पे आ गए, हम लोगों ने खाना भी खा लिया है, तो प्लस ब्लॉग की एंडिंग नहीं ली थी, तो ब्लॉग की एंडिंग लेने आ गई हूँ। तो आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में हमेशा याद कीजिएगा, और आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।